Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone and welcome to EAT. Today I am sharing our anniversary vlog with you guys. So on Saturday we completed eight years of togetherness. So without further ado, let's start the vlog. So, Jannat Saturday morning, I day start. I made my my day पार्सल आ गया मैंने पार्सल रिसीव किया और इसे आराम से एक साइड पे रख दिया बिकॉज मेरे हस्बैंड जब उठे तो उन्होंने उसी वक्त ऐलान कर दिया था आज लंच मैं बनाऊंगा सो so, लंच में उन्होंने बनाना था तवा चिकन कीमा तो so, वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तवे पे उन्होंने लिया टू टेबल स्पून देसी घी इसमें वन मीडियम चॉप्ड अनियन डाला टू टू थ्री ग्रीन चिलीज ली इसमें वन फोर्थ टी स्पून ब्लैक क्यूमन सीड्स डाले वन फोर्थ टी स्पून नॉर्मल क्यूमन सीड्स डाले एट टू टेन पेपर ब्लैक पेपरकॉर्नस डाले इसमें वन टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट डाला और इसको अच्छी तरह से सारे इन्ग्रीडियंट्स को पहले फ्राई कर लिया फ्राई करने के बाद इसमें हमने टू चॉप्ड टमाटोज डाले और इसको थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लिया और इसमें थोड़ा सा लाइक अबाउट टू टेबल स्पून पानी डाला ताकि सारा मसाला तवे के साथ चिपक ना जाए इसमें हम दा, हमने डाला फिर हाफ अ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर हाफ अ टी स्पून चर्मरिक पाउडर हाफ़ अ टीस्पून कोरिएंडर पाउडर हाफ अ टीस्पून गरम मसाला हाफ़ अ टीस्पून स्पून क्यूमिन पाउडर एंड हाफ़ अ टीस्पून चाट मसाला और उसके बाद वन फोर्थ कप ऑफ वाटर डाल के इस सारे मसाले को पहले अच्छी तरह से भून दिया और उसके बाद हमने ढक्कन रखकर लिड लगाकर उसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया ताकि uh, सारे इन्ग्रीडियंट्स आपस में मिक्स हो जाए अब इसमें हमने तकरीबन आधा किलो चिकन का कीमा डाला और अच्छी तरह से सारा कुछ मिक्स कर देने के बाद Uh, इसमें हमने लेड uh, लगा दिया बिकॉज ऑब्वियसली चिकन ने अपना भी पानी थोड़ा सा छोड़ना था तो इसमें जब हमने लेड लगाया चिकन ने अपना पानी रिलीज़ किया एंड देन वी स्टार्ट स्टेरिंग इट एंड देन यू हैव टू कीप स्टेरिंग इट जब तक ये पूरी तरह पक नहीं जाता और उसके बाद आप देख सकते हैं जी ये फाइनल लुक है डिश की देन आप इसके इसको गार्निश करें uh, हरा धनिया डालें इसके ऊपर हरी मिर्चों के साथ इसको गार्निश करें एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने इसको रोटियों के साथ खाया एंड इट वॉज सुपर यमी तवा चिकन कीमा आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा तो अब हम दोबारा वापस आते हैं गिफ्ट की तरफ गिफ्ट में क्या था मुझे बिल्कुल नहीं पता था इसमें क्या है बट एनी वेज थोड़ा थोड़ा मुझे आइडिया हो रहा था कि इसमें क्या है क्योंकि एनिवर्सरी से थोड़े दिन पहले ही आ, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ चुकी थी तो जनाब जब मैंने ये गिफ्ट खोला तो उसमें ये एक ब्रांड न्यू मोबाइल फ़ोन था जो कि मेरा फेवरेट था और मैं सोच रही थी कि अब जब मैंने फ़ोन अपना चेंज किया तो मुझे यही वाला लेना है और ये था सैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा मेरे मेरे साथ वैसे यूजअली ऐसे ही होता है मेरे हस्बैंड जब भी मेरे लिए कोई नई चीज़ बाय करते हैं तो उसी तरह की अगर मेरे पास को पहले से चीज़ है तो वो अराउंड सेम टाइम जो है वो ख़राब हो जाती है सो uh, so, मेरा फ़ोन दो तीन दिन पहले ही मेरे uh, बेटे ने गिराया और उसकी स्क्रीन टूट गई मेरा तो काम हो गया अब मैं आगे आने वाली सारी जो हैं वो अपने नए फोन से बनाया करूंगी कलर जो है वो मुझे ऑलरेडी पसंद था वाइट या क्रीम आप कह लें एंड इट वाज रियली नाइस तो इस फोन को हमने अनबॉक्स किया इसके अनबॉक्सिंग एंजॉय की इसके नए फीचर्स एंजॉय किए आप के सामने सारा कुछ दिखाया कैसे हम इसे खोल रहे हैं इट वॉज़ मुझे लाइक like, ऑब्वियसली मैं इसकी रिव्यूज पढ़ रही थी बिकॉज जिस दिन मेरा फ़ोन टूटा मैं उसी दिन नए फ़ोन को देख रही थी कि अगर मैंने फ़ोन स्विच करना है तो मुझे कौन सा लेना है तो मैं इसके कैमरा फीचर्स एंड बाकी सारे जो भी इसके फीचर्स थे उसके बारे में जान रही थी एंड uh, मैं एक शुरू से एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हूँ एंड सैमसंग वॉज़ माई ऑलवेज़ फर्स्ट चॉइस So, uh, my first phone was Samsung Note 8. That was a few years ago. That was also a gift So, this we have eight, eight good years uh, complete of togetherness. So, it was a very nice gift. In the evening, we had some guests over. So, we had the cake-cutting celebration together. We had a meal together. Uh, kids really enjoyed cake-cutting celebration. It was a fun day all day i really enjoyed uh, the tawa chicken kima which my husband made for me and uh, may we have many 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 years ahead of togetherness so overall it was a great day and uh, if you like this video hit the like button share it with your friends and please subscribe to my channel thank you very much see you on the next vlog